तब तक छेका। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, जो पिछले 8 सालों से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किस तरह का सेक्टर है, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, और इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई थी? जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखा जाए तो अपने शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है, जो मुख्यतः खाना पचाने का काम करता है और खाने के साथ दवाइयां पचाने का काम करता है जी, उनको निकालने का काम करता है। तो देखा जाए तो ये मुंह से चालू होकर और लैट्रिन के रास्ते तक बीच में जितने भी अपने अंग आते हैं इसमें, वो उसमें सम्मिलित सभी अंगों का, उनसे संबंधित सभी बीमारियों का इसमें हम उपचार करते हैं। तो इसके मुख्य भाग मोटा मोटा देखा जाए तो एक आप बांट सकते हो ल्यूमिनल और नॉन ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब भोजन नली, उसके बाद खाने की थैली, फिर छोटी आंत होती है लगभग 20 से 25 फीट की, फिर 4 से 5 फीट की होती है बड़ी आंत। तो इनसे संबंधित जो भी व्याधियां आती हैं या परेशानियां आती हैं वो ल्यूमिनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के तहत आती हैं। फिर खाना पचाने के लिए दो अंग होते हैं हमारे शरीर में जो कि रस बनाते हैं खाना पचाने का, एक तो लिवर जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग अपने पेट के अंदर होता है, करीब 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है और शरीर के राइट साइड में होता है ये, और दूसरा होता है पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, जो कि शरीर के लेफ्ट साइड में होता है जी। तो ये सभी अंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के तहत आते हैं और इसके संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनके सभी के लक्षण अलग अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, मोटे तौर पर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसके तहत आती हैं? सबसे कॉमन जो बीमारी होती है रिफ्लक्स, आम भाषा में लोग बोलते हैं एसिड ज्यादा बन रहा है जी। तो एसिडिटी के सभी लोगों के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन एसिड तो नॉर्मली सबके बनता ही है और बनना भी चाहिए, क्योंकि एसिड नहीं बनेगा तो अपना खाना भी नहीं पचेगा। लेकिन जब ये एसिड खाने की थैली के ऊपर भोजन की नली में आने लगता है तो मरीज को तकलीफ होती है, उसको छाती में जलन होती है, मुंह में कई बार खट्टा पानी आ जाता है, मुंह में कई बार खाना भी आ जाता है, और एसिड अगर ऊपर आता रहता है, बार बार आता रहता है, तो भोजन की नली को ये नुकसान भी पहुंचाता है लंबे समय में, तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर साहब, अक्सर एक इंसान में किस तरह के लक्षण आप देखते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है? जी, रिफ्लक्स रिलेटेड बीमारियों में तो मैंने जैसे आपके भी बताया कि छाती में जलन, छाती में दर्द, कई बार ये दर्द बहुत कॉमनली हार्ट का दर्द होता है, जो हार्ट अटैक का दर्द होता है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं मरीज, जो कि नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ लक्षण होते हैं जो बाद में चर्चा करेंगे अपन, कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर भोजन नली की अन्य समस्या, जैसे भोजन नली की कोई गांठ हो तो उसमें मरीज को खाना निकलने में दिक्कत आती है जी। और तीसरी चीज, जो भोजन नली में अगर मान लीजिए कोई घाव हो जाता है तो उल्टी